गाइस, तो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद ही वीडियो शूट करने लगा हूँ मैं, टाइम ही नहीं लग रहा था। बस जॉब, कॉलेज, बिजी, बस इसी में सारा ना सर्किल घूम रहा था। तो मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, जब भी स्क्रॉल करता हूँ आए दिन सब कहते हैं कि भाई वीज़ा नहीं आ रहा, वीज़ा नहीं आ रहा, वो टेंशन है, मैंने इतनी देर से अप्लाई किया हुआ है और मेरा किसी का रिजेक्ट हो गया। चलो वो दोबारा अप्लाई करे तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला उसका दोबारा वीज़ा लग जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आज कुछ ना आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी जो सीन किया हुआ है ना, उस बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके आपको पता हो कि क्यों वीज़ा डिलेज हो रहे हैं, किसी को रिजेक्शंस क्यों आ रही हैं। तो इस हवाले से तो अब पहले तो स्टार्ट करते हैं कि कोरोना के टाइम से स्टार्ट करते हैं। कोरोना में ये था कि ना यहाँ पे ना बॉर्डर्स ना क्लोज थे, तो उससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया था वो फंस गए, तो बॉर्डर्स तो क्लोज थे। अब साल, डेढ़ साल का, दो साल का टाइम पीरियड रहा कोरोना का, तो तब बॉर्डर क्लोज रहे हैं। तो बॉर्डर क्लोज होने की वजह से तो वीज़ा भी डिलेज होते रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये सीन चला कि उनको ना शॉर्टेज बहुत हो गई थी, तो एकदम से इन्होंने ना मतलब कि बॉर्डर्स ओपन किए अपने और दोबारा से अपना काम स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स के वीज़ास, जो भी स्पॉन्सर्ड वीज़ास थे, सारे इन्होंने अपने स्टार्ट किए। और मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि मैंने कोरोना से बिल्कुल, जब कोरोना ख़त्म था उससे थोड़ा सा टाइम लेके फिर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, क्योंकि तब टाइम था एक कि मतलब कि तब इनको लोगों की ज़रूरत भी थी, टाइम भी था, तब वीज़ाज आ रहे थे, मतलब कि एक महीने में भी आ रहा था, 10 दिन में भी आ रहे थे, हफ्ते में भी आ रहे थे। लेकिन अब चूँकि ये हो गया कि यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, स्टूडेंट्स से मुराद मतलब कि यहाँ पे 6,30,000 आई थिंक या 60,000 इतने, मतलब कि 6.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ना आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अब यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे मतलब कि फूड, रेंट, इनके प्राइजेस भी थोड़े से ऊपर चले गए हैं। स्टूडेंट्स इन्होंने काफ़ी ले लिया है, अब मज़ीद और गुंजाइश है नहीं है, तो ये बस अब इसीलिए डिलेज कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और मेन वजह है डिलेज होने की। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि क्यों डिलेज हो रहे हैं, और इससे इम्पोर्टेंट बात ये कि यूनिवर्सिटीज़ की आती है। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके अपना कोर्स स्किप किया, स्किप करके किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में, कि मतलब कि आते साथ $12,000 से $14,000 फ़ी होती थी, तो वो क्या करते थे, आते साथ अपनी मतलब के 6 मंथ स्टडी की, उसके बाद 6 महीने के बाद किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो सस्ता हमको दिखता था उसमें उन्होंने अपना वीज़ा डाल दिया, या 6 महीने बाद उन्होंने किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया जो उनको थोड़ा सा चीप पड़ता था। तो इस वजह से मीन के यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि भाई हम स्टूडेंट को वीज़ा देते हैं, इतनी दूर से बुलाते हैं, तो वो जब आते हैं यहाँ पे, आते साथ 6 महीने पढ़ते हैं और अपना सारा चेंज करवा लेते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी लॉस हो रहा था। तो उन्होंने डायरेक्ट ना मतलब कि इनके साथ ना ATO वगैरह के साथ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, ये सारा इन्होंने मतलब कि एक बैठ के मीटिंग की है। मीटिंग करके उन्होंने क्या है कि इस तरह स्टूडेंट्स कह रहे हैं, उन्होंने अभी क्या किया है कि भाई कि मतलब कि 6 महीने पहले होता था ना, आप फी 6 महीने की पे करके आते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ ने साल की फ़ी कर दी है। मतलब कि आपने वही बंदा अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है कि जो एक साल अपना यूनिवर्सिटी की फ़ी यहाँ पे करेगा, और उसके अलावा स्टेटमेंट जो होती थी पहले, ये होती थी आपके बैंक में पड़ी होती थी, आप शो करवा देते थे तो वो चल जाता था। अब इन्होंने ये किया, जो आपकी स्टेटमेंट है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। यहाँ पे बंदा फंस गया, तो फंसने से ये मुराद के मतलब कि वो चाह रहे हैं कि मतलब कि अगर जो बच्चा आ रहा है यूनिवर्सिटी में तो वो उसी में रहे, हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाए, मीन के वो बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रहे, ये सीन कह रहे हैं। तो इस वजह से भी वीज़ा डिलेज हो रहे हैं। और फिर मैं आपको इस वीडियो में फिर आपको मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊँगा कि यार कोई चीज़ आप फेक ना लगाना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं, मेरे दोस्तों के भी मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम मेरा इतना बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टाग्राम से ना सब्सक्राइबर्स जो भाई हैं मेरे, वो मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आ रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ है, तो मुझे थोड़ा सा प्लीज़ गाइड करते हैं, तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ। तो गाइड करने से ये मुराद है कि प्लीज़ कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाओ, क्योंकि अब इनको मतलब कि स्टूडेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाओगे तो
स्ट्रेट अवे वो ना रिजेक्शन दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि वो उसको दोबारा केस को स्टडी करते हैं, उनको जहाँ पे भी थोड़ा सा भी फेक डॉक्यूमेंट या फेक चीज़ नज़र आ गई उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्शन दे देनी है। और ये है कि आप कोशिश ये करो कि आपका स्टडी गैप ना हो, स्टडी गैप भी जो होता है ना उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम ख़राब होता है। तो अब वीज़ा जल्दी लगवाने का यही तरीका है कि आप अपना अच्छे तरीके से अपनी एक फ़ाइल बनाओ, उसके अंदर कोई फेक चीज़ ना लगाओ, जो उनकी रिक्वायरमेंट आप वो पूरी करो तो आपको इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर मिलेगा आपको, और उम्मीद भी है। और जिन भाइयों के वीज़े नहीं आ रहे 2-3 माह से, वो ज़रूर दुआ करो, दुआ से ज़रूर आपका वीज़ा भी आएगा, ठीक है। और बाकी जो चैनल मेरा देखते थे वो मुझे कहते थे यार आप वीडियो नहीं बनाते, तो 6 महीने के बाद ये वीडियो आई है मेरी, 6 महीने के बाद यार बिज़ी बहुत रहा था इसी वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाया। तो कल परसों भाई का एक मैसेज आया था कि यार आपका तो मैं चैनल पे वीडियोस देखता था, आपकी तो वीडियोस मैं चैनल पे देखता था और आप तो एकदम से गायब हो गए। तो उस भाई का शुक्रिया जो मुझे जिसने याद रखा, उसका कमेंट मैंने पढ़ा तो मैंने दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जिस बंदे को भी जिस चीज़ के बारे में पूछना हो वो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे या मुझे इधर नीचे कमेंट कर दे कि आप इस बारे में मुझे थोड़ा सा गाइडेंस कर दो या इस बारे में वीडियो बना दो, तो वो मैं वीडियो उस बारे में ना आपके लिए बना दूंगा। तो मुझे जब भी टाइम मिला ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगी ऊबर ईट्स के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी, ऊबर ईट्स कैसे चलती है, क्या अर्निंग है क्या अर्निंग नहीं है यहाँ पे, और किस तरीके से लोग ऊबर ईट्स करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऊबर ईट्स में कि आपको अकाउंट बनाने के लिए, वो मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा जल्द से जल्द। और हर हफ्ते में एक ना एक वीडियो ज़रूर आएगी, और उसमें ये होगा कि एक दिन ऊबर का जो पीक टाइम नहीं होता उस पे अर्निंग के बारे में वीडियो बनाएंगे, और एक टाइम जो वो होगा जिस जहाँ पे पीक टाइम होगा जहाँ पे ऊबर पे पैसे अच्छे बनते हैं तो उस पे वीडियो बनाएंगे। तो फिर ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो अब से आया करेंगी आपके पास। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।